हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो टाइम की अगर बात करें, 10 बजे का टाइम हो रहा है, 10:30 का टाइम हो रहा है, 10 नहीं बजे अभी। और बाहर मैंने आपको दिखा दिया व्यू, धूप खिल रही है आज, बहुत अच्छी मौसम है, एकदम साफ़ है। और एक दो दिन में ऐसा मौसम रहा ना, जैसे कल भी था आज भी है, तो फिर जो है गर्मी का एहसास तो हो ही रहा है, लेकिन गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। फ़ैन वगैरह भी चालू नहीं हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं है। और इधर आपको चारों तरफ दिख रहा है सन्नाटा, ये देखो, क्योंकि आज है संडे, तो आपको हैप्पी संडे, क्योंकि संडे जो है वो मस्त वाला रहता है। तो हम उठे हैं सुबह 8:30 सोकर, रात को हम लोग सोए हैं 2:30 बजे आए थे हम लोग, 2:30 बज गए थे शायद, 2:45 बजे हम लोग सोए हैं। तो सुबह लेट ही उठे, सुबह तो हम लोग, मुझे लग रहा था 10 बजे उठने वाले हैं, लेकिन फिर कोई आ गया था तो उस वजह से उठ गए थे 8:30। और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लांट्स में पानी भी देना है मुझे, प्यारे से नन्हे मुन्ने से प्लांट्स, जो कटिंग्स वगैरह लगाई थी वो सारी अच्छे से चल रही है। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं बिगोनिया पे, और ये भी अच्छे से चल पड़ा है। ये रही लीव्स, और ये थोड़ा सा मुरझा रहा है, ये कटिंग अभी मैंने देखी नहीं है, रूट्स आई है कि नहीं, ये दोनों चल पड़ी है। और ये भी कुछ कटिंग्स हैं, ये देखिए, ये जो ग्रास है ये मैंने पूरा कट कर दिया था और रिपोर्ट किया था, इसे 2 गमलों में किया था क्योंकि जोड़े में अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये भी जो है चल पड़ा है। और इधर ये छोटी छोटी सी कटिंग्स हैं जो चल रही है, ये देखो, और ये सारी कटिंग्स मैंने ग्रो की थी, 2 कटिंग मैंने ये वाली भी ग्रो की थी, ये भी चल पड़ी है। एक ये है कैलेंचो की, ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। और यहाँ पर फाइनली ये जो मनी प्लांट है ये भी चल रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, वैसे तो इसकी हालत खस्ता हो गई थी लेकिन चल पड़ा है, ये देखिए। तो इसमें ना कुछ कीड़ा सा लग जाता है, ये सब भी चल रहे हैं। और एक ये मैंने ग्रो किया था छोटू सा, ये देखिए ये भी अच्छे से चल पड़ा है, इसकी रूट्स आ गई है, लीफ से मैंने किया था। और ये क्रेसुला वगैरह, ये देखिए सारे हैं। और ये मैंने बनाए हैं प्लांटर्स, मैंने पेंट करके रखे हैं, लेकिन ये आपस में चिपक गए थे 2, तो कल इनको मैं कर नहीं पाई थी कंप्लीट, आज करूँगी। और ये रहा जेड प्लांट, तो ये सारे हैं मेरे प्लांट्स जो कि आजकल अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ना ये देखो, ये दूसरा वाला, ये 2 मैंने बनाए थे ना, मुझे मतलब टाइम नहीं लग पाया अच्छे से, कब से मैंने ये कट करके रखे हैं, मुझे लगा था एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी लेकिन टाइम नहीं लगा, और जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, भूल गई। तो कल मैंने 2 पेंट करके रखे हैं और ये 2 मतलब कंप्लीट कर दिए हैं 2, और ये 2 रखे हैं, इन पे मुझे कोई वो बनाना है, कैट की शेप में मुझे ये बनाने हैं। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं अंदर, पहले खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करते हैं, उसके बाद बाकी के सारे काम होंगे। तो अभी हमने ना चाय बिस्किट लिए हैं, 2 बिस्किट ले लिए थे और ब्लैक टी बनाई थी हस्बैंड ने, और वो चले गए हैं शॉप, उन्होंने बोला कि मैं शॉप जाकर आता हूँ। और यहाँ पर जो है कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, सब्जी कट कर दी है मैंने और बना लेती हूँ, पहले सोच रही थी, दूध बॉईल कर दिया है। और ये देखिए भिंडी की सब्जी मैंने कट की है, और ये इधर प्याज भी कट कर लिया है, टमाटर रखा है धोकर, और इधर है कढ़ाई में तेल, अभी बनेगी भिंडी की सब्जी। तो भिंडी की सब्जी, आटा भी है इधर, ये देखिए आटा भी रख दिया है, और बस अब फटाफट खाना बनाऊंगी और आज दिन में करूंगी मैं रेस्ट, मेरी आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई आईज़, और आईज़ के नीचे ना काले गहरे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो थकावट सी हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक दिन भी आपकी नींद वो हो जाए ना तो ऐसा होता ही है। तो पहले मैं सोच रही थी मतलब व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, फिर इसका गला ना कुछ अजीब सा वो हो रहा है,
तो पहले मैं सोच रही थी कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर मुझे याद आई यार रूटीन व्लॉग काफ़ी कमेंट आ रहे हैं तो स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं भिंडी में लगाती हूँ तड़का, उसके बाद फिर। तो जी अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है और उसके बाद में ना मैं लग गई थी अपनी सफाई वगैरह में। और रोज़ हम ऐसा सोचते हैं ना लेडीज़, ऐसा होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कि हम हमेशा सोचते हैं आज हम अच्छे से सफाई कर लेते हैं और कल फिर हमारे लिए मतलब काम थोड़ा कम हो जाएगा, और नेक्स्ट डे क्या होता है वो काम जो है वो उतना का उतना ही रहता है, मतलब डेली उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हम इतनी श्रद्धा से काम करते हैं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि आज मैं अच्छे से झाड़ू पोछा कर दूँ ताकि कल मुझे हल्का फुल्का रहेगा, और नेक्स्ट डे उतना का उतना ही रहता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली गैलरी में भी हमारी धूप आ जाती है और ये वाला डोर जो है मोस्टली बंद ही रहता है। पता नहीं क्यों सबको आगे से चलने की आदत हो गई है, जो बैल्कनी वाला रास्ता है उसी से, तो वहीं से आते हैं, यहाँ से बहुत कम आते हैं। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी, पहले साइड साइड से लगा दूँगी, उसके बाद ये मैट पे सीक वाला जो झाड़ू होता है उससे लगाना पड़ता है क्योंकि उस पर कचरा वगैरह फंस जाता है। ये नारियल वाला जो झाड़ू है ये अच्छे से यहाँ पर काम नहीं करता। रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है, बस हॉल में लगाऊंगी, बाकी सारी चीज़ें कर दी है। किचन से मैं हो चुकी हूँ फ्री और लंच भी मैंने जो है वो बना ही लिया है ऑलमोस्ट, बस झाड़ू पोछा करूँगी उसके बाद अपना बाकी का काम करूँगी। तो चलिए पहले फ्री हो जाती हूँ। तो जी टाइम हो चुका है शाम का, 5:22 हो चुके हैं और मैं ना सो गई थी, इतनी बिंदास हो गई, सो गई, झाड़ू पोछा किया, बर्तन वगैरह धोए, सारा काम किया, उसके बाद मैं सो गई। और ऐसी भयंकर सोई मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन ना नींद नहीं पूरी हुई, सर दर्द हो रही है। तो यहाँ पर ना चाय लगा रखी है मैंने, फ़ोन पे फ़ोन इतनी परेशान हो गई थी। सुजल का फ़ोन आया, फिर मासी का फ़ोन आया, और किसका फ़ोन आया था, मम्मी का फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया, हस्बैंड का फ़ोन आया, मतलब इतने सारे फ़ोन आए ना, जितने को मैं कोशिश कर रही थी, मतलब कोशिश तो नहीं कर रही थी, एकदम से नींद आ गई थी। और फिर उससे पहले मैंने फिर बाहर पुदीना लगाया है एक पॉट में, बड़े से पॉट में, तो मम्मी लेकर आए थे, सासू माँ को मैंने काफ़ी पहले बोला था कि खेत से ना पुदीना ले आना, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगा दूँगी क्योंकि एकदम खेत जाना और दूर से मतलब टाइम लगता है वहाँ से, तो गमले में यहाँ लगा देंगे जिससे चटनी वगैरह बनानी हो, क्योंकि गर्मी होती है ना तो अच्छी लगती है पुदीने की चटनी। तो फिर वो लेकर आए थे, तो वो भी फिर मुझे लगाना पड़ा क्योंकि वो मुरझा जाता बिल्कुल, वो लगाया उसके बाद जाकर सोई, और फिर मतलब नींद इतनी भयंकर वाली मुझे आ रही थी ना, फिर हो ही गई जैसे तैसे पूरी, सर दर्द हो रही है मुझे। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीऊँगी क्योंकि सर दर्द से हो रही है और बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं ये शादियों वगैरह में ना, मन तो करता है कि कब शादियाँ आएगी, कब फंक्शन आएंगे, लेकिन फिर जब आते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज मुझे कपड़े धोने थे, बेडशीट्स वगैरह, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया, और धूप आ रही है अंदर, पूरी अंदर धूप आती है। बस चाय बना कर पीती हूँ, उसके बाद देखती हूँ फिर कुछ और काम करती हूँ, वो प्लांट्स वाला काम करती हूँ। तो जी चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ और बहुत देर हो रही है चाय पीने के बाद। बाहर जो है वो चल रहा है RSS की क्लासेस, क्या मतलब एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं शाम के टाइम, प्रेयर वो सब चल रहा है। तो ये देखिए ये वाले मेरे पास डब्बे थे इस तरीके के, ये तो बॉर्नविटे का ना, ये मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग पाया। और ये वाले थे, ये वाले, ये देखिए, ये मतलब बाहर शॉप में थे, अच्छे थे सॉलिड वाले बॉक्स, ये ख़राब हो गए थे तो पापा ने ये फेंक दिए थे, मतलब रखे थे एक प्लास्टिक वाली जिसमें प्लास्टिक रखते हैं सारा कबाड़ा, तो ये मैं वहाँ से लेकर आई। और इसको ना मैंने ऐसे कट किया है, ये देखिए ग्रीन कलर, ब्लू कलर की बॉटल थी ये, और मैंने इसको ऐसे कट किया है, ये सिंक से निकाल दिए हैं, और पहले इसको कट किया उसके बाद इसमें किया है पेंट, ये येलो कलर का पेंट। तो दो जो है ये मैंने येलो कलर के वो किए हैं, येलो कलर का पेंट किया है दो पे। और ये वाली थी ड्यू की बॉटल, माउंटेन ड्यू जो आता है ये देखिए, उसकी बॉटल थी ग्रीन कलर की। और ये वाला परसों मैंने कर दिया था तो व्लॉग नहीं बना रही थी आजकल मैं, ये देखिए इस पर किया है मैंने वाइट पेंट, दो कोट किए हैं। और फिर जो है मैंने ये पांडा की, पांडा का फेस बना दिया है, बहुत क्यूट लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये निकले ना, वैसे निकलेगा नहीं, पेंट ठीक है, तो
धूप वगैरह में मैं कह नहीं सकती। पेंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये वाले, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाए हैं। इसके मेरे पास पहले छोटे वाले थे, तो पहले ना मैं पेंटिंग वगैरह बहुत करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन फिर टाइम के साथ टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखिए, ये मैंने मतलब कंप्लीट कर दिया है। और एक मैंने ये कारीगरी जो है साथ साथ में लावण्या कर रही थी, तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। ये भी एक बॉक्स ही था बेसिकली, ओपन माउथ वाला इस तरीके का, तो इसमें कर दिया है मैंने सब में नीचे से होल। वो मैंने पहले ही कर दिए थे जब मैंने इनको कट किया था, क्योंकि ये देखो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो ये मैंने बस वैसे ही कर दिया था जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था। तो इस पर देखती हूँ कुछ और करूँगी, नहीं तो इतना ऐसे भी ठीक है। और ये मैंने इस तरीके से कट किया था, तो ये है कबाड़ से जुगाड़। और अब मैं इस पे बनाने वाली हूँ फेस। इसमें पता क्या हुआ, ये दोनों पेंट करके ऐसे रख दी थी धूप में और दोनों चिपक गई, पेंट निकल गया। तो इस पे अब मैं फेस बनाने वाली हूँ। इस पे मैं बनाने वाली हूँ कैट फेस, जिसके लिए मैंने लिया है ये ब्लैक कलर। तो बस फटाफट लग जाती हूँ, और लेट ही हो गया, मुझे लगा था जल्दी जल्दी करूँगी, लेकिन सुस्ती जो है ना वो सारे काम खराब कर। तो जी ये देखिए, ये हमारे दो प्लांटर्स जो हैं ये हो गए हैं तैयार। अब इनको ओवरनाइट वो करूँगी, सूखने दूँगी। और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने ये ऐसी ड्राइंग की है ना, तो मतलब मेरा हाथ जो है उतना साफ़ नहीं है, लेकिन ठीक है, हाँ अच्छा है। तो ये देखिए अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, और ख़ुद के हाथ की बनाई चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। तो इनको मैं ड्राई होने दूंगी, मतलब सूखने दूंगी सुबह तक। और ये वाला तो मेरा पूरा अच्छे से सूख गया, इसमें मैं लगाने वाली हूँ प्लांट। अभी लगा दूंगी, बाहर जो है वो धूप अच्छे से चली गई है, तो इसमें मैं लगाऊंगी मनी प्लांट। कितना अच्छा लगेगा, मेरे पास एक यहाँ पर रखा है ना पानी में, वो अच्छे से सर्वाइव कर गया है, तो सोच रही हूँ उसको मिट्टी में लगा देती हूँ। तो बस पहले मैं ये सारे ब्रशेज़ वगैरह धो रही हूँ। जी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने इसमें प्लांट्स भी लगा दिए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो ये जो है ये मैंने दही वाले उसमें लगाया है, जो दही की वो होती है ना मटकी, और इसमें मैंने छोटे छोटे से वो जो कटिंग्स ग्रो की थी वो लगाई है इसमें भी। और इसमें मैं ये कटिंग लेकर आई थी वो मैंने लगा दी है। इसमें लगा दिया है मनी प्लांट, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं ना। और ये है मेरा पुराने वाला, इसको भी मैंने पेंट कर दिया है। ये देखिए, इसमें मैंने पहले प्लांट लगा दिया था, ये मैंने एक कैन थी ऑयल कैन, तो वो मैंने कट की थी, और इसमें मैंने इस तरीके का ये स्माइली बना दिया है इधर, और बीच में ये डॉट डॉट वाला काम किया है, इधर ये वाले बना दिया, ये वाला स्माइली बना दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैंने बहुत टाइम के बाद पेंट किया है, पहले इसमें मैंने पेंट नहीं किया था। मेरे बाकी के प्लांट्स, और इसमें भी मैंने पुदीना ग्रो कर दिया है, और यहाँ पर कुछ सीड्स डाले हैं साथ साथ में, और एक कैन है ये जिसे भी मैं कट करने वाली हूँ, इसको कट करके भी मैं बनाऊँगी कोई शेप। तो चलिए इन प्यारे प्यारे से प्लांट्स के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।